कोरोना काल में जहां लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे, वहीं मरीजों का पंचकर्म के प्रति रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में पंचकर्म करवाने वाले लोगों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ। यही नहीं, आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड योजना के कार्ड होल्डर को भी पंचकर्म का लाभ मिले, इसके लिए आयुर्वेद विभाग प्रयासरत है। विभागीय जानकारी के अनुसार पंचकर्मा के लिए ऐसे मरीज आते हैं जो काफी जगहों पर इलाज करवा चुके हैं। काफी बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में ही संभव है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में सभी प्रकार के पंचकर्मा होते हैं। बीमारी के हिसाब से मरीज का आयुर्वेद में इलाज किया जाता है। मरीजों के उपचार में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पैरालिसिस, हेयर फॉल, डैंड्रफ, मुहासे, एलर्जी और वर्तमान की कॉमन बीमारियां वाइट पेन, पीठ दर्द, वजन ज्यादा होना, बांसपन, पीसीओडी, पीरियड्स के असहनीय दर्द, अनियमित महामारी सहित महिलाओं को विभिन्न समस्याओं का इलाज भी आयुर्वेद में पंचकर्म किया जाता है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में पंचकर्म करवाने वाले मरीजों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 गुना इजाफा हुआ। आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना में पंचकर्म को लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आयुष्मान और हिम केयर कार्ड में भी पंचकर्म का लाभ मिले। पंचकर्मा के लिए ऐसे मरीज आते हैं जो कि काफी जगहों पर इलाज करवा चुके होते हैं। काफी बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में ही संभव है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में सभी प्रकार के पंचकर्म होते हैं। प्रतिदिन 20 से 25 मरीजों का पंचकर्म किया जाता है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म करवाने वालों की संख्या 4 गुना बड़ी है। आयुर्वेद विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड में भी पंचकर्म का लाभ मिले। ऐसा है कि पंचकर्मा के लिए वो ही पेशेंट यहाँ पे आते हैं जो कि अपना बहुत जगह इलाज करवा चुके होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका जो है वो आयुर्वेद में ही इलाज संभव है, तो उसके लिए वो हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ पे धर्मशाला अपने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो है वो सभी पंचकर्मा होते हैं, जिसमें कि बमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और निरूबस्ती, उत्तरवस्ती, जलोका और नस्य, अब ये सारी सभी तरह की थेरेपी जो यहाँ पे होती हैं, अक्षी तर्पण। तो जैसे जिस तरह का यहाँ पे जो पेशेंट आता है उसी तरीके से उसका जो है वो इलाज किया जाता है। तो इसमें जो है हम ज़्यादा करके जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और बाकी अपनी पूरी कपिंग भी यहाँ पे होती है। तो डिजीज़ के मुताबिक जो है कि इस डिजीज़ में कौन सा इसके लिए पंचकर्मा प्रयोग होगा उसी ढंग से इलाज किया जाता है। इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, फिर ये डायबिटीज़, आजकल की जो जितनी भी कॉमन बीमारियाँ हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, पैरालिसिस, फिर इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, हेयर फॉल, डेंड्रफ, पिंपल्स एंड एलर्जीज, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एलोपैथी में क्योर नहीं हो पाती है, वो आयुर्वेद में जो है वो पंचकर्म से जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। और जॉइंट पेन है, बैकएक है, ओवरवेट है, आजकल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, डिसमेनोरिया है, इररेगुलर पीरियड्स हैं, इन सब के लिए जो है एंजाइटी, इंसोमनिया, जॉन्डिस, इन सब का जो है वो आयुर्वेद में जो है वो पंचकर्म किया जाता है। इसमें जो ऐसा है कि एक दिन में जो मतलब ज़्यादा पेशेंट नहीं किए जा सकते हैं, हमारे पास 6 घंटे होते हैं पूरा दिन में, लेकिन हम इतनी कोशिश करते हैं कि सुबह 9:30 से पहले ही हमारा शुरू हो जाता है और शाम को 4 बजे के बाद भी हमारा चलता रहता है थोड़ी देर। और हम जो है वो पर डे जो है वो 20-25 पेशेंट को जो है वो इसमें लाभ देते हैं। पहले के मुकाबले में अगर हम ये देखें तो पिछले साल जनवरी 2019 में जो था वो 15 लोगों ने इसका लाभ लिया था, जो 15 लोग मतलब कि आपको 7-8-10 दिन की थेरेपी चलती है एक बंदे की, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लो तो इतनी मतलब उन्होंने लिया है। और इस बार जो है पिछले इस जन में 2021 में 60 लोगों ने जो है वो इसका फ़ायदा लिया है। तो ये 60 लोग जो है वो मतलब पर पर्सन 7 डेज और 56। तो आय के हिसाब से बात करें तो 4 गुना कम से कम बढ़ी है, कम से कम हम अगर लेके चले तो 4 गुना बढ़ी है इससे आय। और
अब तो हमें इतना कई बार मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट ज़्यादा आते हैं लेकिन हम उनको जो है वो ट्रीट इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि हम इतना दे पाए। आगे सोच रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसमें लाभ मिल सके। इसके लिए जो है वो हमारा विभाग प्रयासरत है कि सभी जो हिम केयर कार्ड या आयुष्मान भारत के कार्ड जो है उनको भी जो है इसमें लाभ मिले, उसके लिए हमारा विभाग प्रयासरत है। बहुत कोरोना काल में हमने देखा कि आयुर्वेद का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। एक तो लोगों ने उस टाइम काढ़ों का तो यूज़ किया और उसके बावजूद भी कई बीच में काढ़े ख़त्म हुए तो लोगों को हमने खुद घर में बनाने को कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि गिलोय यहाँ पे हिमाचल में बहुत होती है और बाकी जो है छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में होती है। तो लोगों ने जैसे हमने उनको बताया कि इस तरह से उसको यूज़ करो, लोगों ने बहुत अच्छा यूज़ किया।